नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और प्राग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार थे। सर्वेश्वर जी की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह पागल कुत्तों का मसीहा आदि। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण और कुंठा आदि का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है। संस्मरण वह है जो स्मृतियों से बनता है, अर्थात यादों से, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। अर्थात संस्मरण के अंतर्गत लेखक अपने जीवन के किन्हीं महत्वपूर्ण बातों को या अपने जीवन में आए किसी महत्वपूर्ण इंसान के बारे में लिखता है। प्रस्तुत पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यावहारिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम में जन्मे थे तथा ऐसी जगह से आए थे जो गिरजाघरों, पादरियों और धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि मानी जाती है, लेकिन उन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, अर्थात मृत्यु तक वो भारत में ही रहे। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। लेखक और फादर के मध्य घनिष्ठ संबंध थे, जिसकी झलक हमें इस संस्करण में दिखाई देती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए थे और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का भी सराहनीय प्रयास किया। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो यह है संक्षिप्त सार लेखक और पाठ के विषय में। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद छाई, मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में हमें अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि जब फादर कामिल बुल्के जहरबाद
सी मरे अर्थात जहरवाद का अर्थ है गैंग्रीन अर्थात एक जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा जिसकी वजह से इनकी फादर की मृत्यु हुई थी। फादर की मृत्यु पर लेखक अफसोस करते हुए ईश्वर से भगवान से पूछता है कि जिसकी रगों में मिठास और भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था उसके लिए ऐसा जहर का विधान क्यों किया। अर्थात जो व्यक्ति सदा दूसरों को प्यार करता था तथा जिसने दूसरों के भलाई के लिए ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया उसके लिए इतनी कष्टकारी मृत्यु क्यों चली। फादर की मृत्यु जहरवाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी। वे ऐसे थे जो अपने हर पहचान वाले को से अपनेपन से मिलते थे जो भी उन्हें प्रिय होता था फिर भी उन्हें इतनी यातना भरी मृत्यु भगवान ने क्यों दी। लेखक आज भी फादर की बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। लेखक कहता है कि मैं इस बात का साक्षी हूँ कि वे अपने अपनों से मिलने के लिए उनके हृदय में अगाध प्रेम था। वह तब उन्हें जानते थे जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। फादर को याद करते हुए लेखक कहता है कि फादर को याद करना शांत संगीत को सुनने जैसा लगता था। उनको देखना निर्मल जल के समान में स्नान करने जैसा तथा उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे जिसके बड़े फादर बुलके थे। वे हमारी हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वत्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। लेखक फादर बुलके को याद करते हुए कहता है कि मुझे परिमल अर्थात एक साहित्यिक संस्था का नाम है वे दिन याद हैं कि साहित्यिक संस्था में काम करते हुए मुझे वह समय याद है जब हम सब एक परिवार के समान थे और जिसमें फादर बुलके सबसे बड़े थे। वह हमारे हंसी मजाक में शामिल होते और हमारी गोष्ठियों में भी बहस करते थे। वे हमारी रचनाओं के बारे में राय भी देते थे और सुझाव भी तथा घर में कोई भी उत्सव हो तो वह एक बड़े भाई की तरह खड़े रहते और सबको आशीर्वाद देते थे। फादर बुलके ने जब लेखक के बच्चे के मुँह में पहली बार अन्न डाला तो लेखक उस समय को नहीं भूल सकता और ना ही फादर की नीली आंखों में तैरते हुए प्यार को। लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे देवदार वृक्ष की छाया होती है वह अपने चारों तरफ छाया फैलाए रखता है उसी प्रकार से फादर पुलके भी देवतार की भांति जो उनके साथ के थे उनके ऊपर हमेशा अपनी छाया रखते थे। लेखक कहता है कि मैंने कभी भी उन्हें क्रोध करते हुए नहीं देखा और हमेशा ही प्यार और ममता से लबालब उन्हें महसूस किया है। फादर को देखकर लेखक के मन में सदा यह जिज्ञासा बनी रहती कि उन्होंने बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर सन्यासी बनने का विचार क्यों लिया जबकि उनका एक भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में दो भाई एक बहन और माँ और पिता सब थे। लेखक ने उनसे पूछने का प्रयास भी किया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है तो फादर कहते कि अब तो भारत ही मेरा देश है लेकिन हाँ मुझे अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल की याद बहुत आती है माँ की भी बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की यादों में डूब जाते उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास अक्सर आया करती थी
जिसे वे अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनका अपने पिता और भाइयों से अधिक लगाव नहीं था। उनके पिता एक व्यवसायी थे, एक भाई पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था। एक बहन थी जो सख्त और जिद्दी थी। फादर को कभी उसकी चिंता करते नहीं देखा गया। भारत में आने के बाद तथा वे केवल 2-3 बार ही अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। जब लेखक ने फादर से पूछा कि आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए, तो वे कहते कि यह तो प्रभु की इच्छा है। वे बताते थे कि उनकी माँ ने बचपन में ही यह कह दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच में ही इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई बीच में छोड़कर उन्होंने वे धर्म सन्यासी बनने के लिए धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि मैं सन्यास लेने के बाद भारत जाऊँगा। भारत जाने की मन में क्यों ठानी तथा क्या कारण था कि वे भारत आना चाहते थे, इस संबंध में वे कहते हैं कि बस मन में यह नहीं जानता कि ऐसा मैंने क्यों कहा, लेकिन बस कह दिया। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। फादर बुल्के ने भारत में आकर जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 वर्ष वे दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नील पंछी के नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे, और यहीं उन्होंने अंग्रेजी तथा हिंदी का शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का भी अनुवाद किया। वहीं पर बीमार हुए, पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर वे चले गए। फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से। एक बार रिश्ता बना कर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था, अर्थात जिससे वे रिश्ता बना लेते थे हमेशा ही उसे याद रखते थे। 10 साल बाद भी मिलने पर वह उसे अपने उसी अपनेपन के साथ मिलते थे। वे जब भी दिल्ली आते तो लेखक से जरूर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें दुख करते हुए देखा गया था, अर्थात उन्हें इसी बात का दुख था कि जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, तथा भारत में रहने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा करके अंग्रेजी को अधिक महत्व देते हैं। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर राहत मिल जाती थी। लेखक को अपने पुत्र की मृत्यु और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों से झरती हुई ध्वनि शांति प्रदान करती थी। लेखक के अंतिम क्षणों में फादर से ना मिलने का दुख है कि वह अंतिम समय में फादर से नहीं मिल सका, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह
दिल्ली के कश्मीरी गेट्स के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी हुई थी। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश संकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हिंदी में भी मसीही विधि से ही प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुलके धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक का कहना है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी यह सोचा भी होगा या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबकी ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति में हम सबके मन में उनके जो निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। अर्थात लेखक हमेशा ही फादर बुलके को याद रखेगा, तथा लेखक के अतिरिक्त जो दूसरे लोग भी थे जो फादर से प्यार करते थे तथा फादर ने जिन्हें अपनेपन के साथ जिया था, वह सब फादर को हमेशा याद रखेंगे। तो यह था हमारा पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक